बहुत सारे लोग समझते हैं कि दिन में इबादत की जाए और रात में आराम किया जाए या सुकून की रात बसर की जाए, ऐसा नहीं है। हर लम्हा, चाहे दिन का लम्हा हो चाहे वो रात का लम्हा हो, हर लम्हा कीमती लम्हा होता है। पहला अशरा हो चाहे दूसरा अशरा हो चाहे तीसरा अशरा हो, इन तमाम चीज़ों को इंसान बरत करके रखे और कोई भी लम्हा ज़ाय ना होने दे। अलबत्ता आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने लैलतुल क़द्र मुकद्दर किया है। इस लैलतुल क़द्र के हुसूल में इंसान को हद दर्जा इज्तिहाद करनी चाहिए और उसे बहुत ही बढ़ चढ़ करके अल्लाह तबारक ताला की इबादत करनी चाहिए थी। इसीलिए जब ये आखिरी अशरा आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्दल मिदर, माया आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि शद्दल मिदर कि आप अपना फाड़ कस लेते थे, यानी अपना कपड़ा खूब टाइट बांध लेते थे। वह अयक़द अहलुहू, और अपने अहलो आयाल को बेदार कर देते, क्योंकि अब इस रात से इस क़यामुल लैल की जो घड़ियाँ हैं इन घड़ियों को आप खूब इससे इस्तेफादा करो, फ़ायदा हासिल करो। जो तो इनके तमाम घड़ियों को अल्लाह तबारक ताला ने बबरकत बनाया है, और खसूसियत के साथ ये जो आखिरी अशरा, इसकी जो ताक रातें हैं, ये तमाम ताक रातें बहुत कीमती रातें हैं, इनको हमें ज़ाया और बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसी खसूसियत के साथ रात का जो आखिरी हिस्सा है, तिहाई हिस्सा, जिसमें अल्लाह तबारक ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है कि कौन है मांगने वाला जिसकी मांग पूरी की जाए, कौन है सवाल करने वाला जिसके सवाल का जवाब दिया जाए, कौन है इस्तिगासा करने वाला उसकी हाजत पूरी की जाए। हाँ, अल्लाह तबारक ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है सुलसे अखीर मिन लैल को, तो उस वक्त बंदे को और ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत और बंदगी के लिए और अपनी दुआओं के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला से मुतालबा करना चाहिए और अल्लाह तबारक ताला के सामने अपनी हाजत और ज़रूरियात को रखनी चाहिए। नाज़रीन के नाम शेख ने हमें बड़ी ही मुफीद बातें बताई।